दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर आप सभी का अपने चैनल सुबह मॉर्निंग चेंज में। दोस्तों एक विज्ञप्ति का संशोधन और जारी किया गया है आयोग की ओर से, यानी कि 24 अगस्त को ये संशोधन हुआ था, लेकिन आज 25 अगस्त को आयोग द्वारा वेबसाइट पर रिलीज किया गया है कौन सी वैकेंसी है और कितने पद बढ़े हैं कितने घटे हैं, देख लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है। चलिए देखिए, ध्यान दें सभी बच्चे, 6/3/2020 को जिलाधिकारी चंपावत कार्यालय में कनिष्ठ सहायक यानी ग्रुप सी के पदों पर 6 टोटल पद थे, उस पर भर्ती आई थी, जिसके पदों में कुछ चेंजेस किए गए हैं, यानी कि आरक्षण को लेकर किए गए हैं या कुछ आपका वैसे। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो टोटल सीटें थी वो आपकी 6 थी, तो इसमें आपकी SC की 2 सीटें थी बची हुई हैं, जनजाति की 1 सीट थी बची हुई है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग की इसमें पहले 1 सीटें थी जिसे अब हटा दिया गया है। उसके अलावा आपका EWS की पहले 1 भी सीटें नहीं थी, इस बार EWS की 1 सीटें उसमें बढ़ाई गई है, ठीक है। जनरल की उसमें पहले 2 सीटें थी जिन्हें अब हटा दिया गया है, यानी कि जो पहले सीटें 6 थी अब उन्हें घटाकर केवल और केवल 4 सीटें कर दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लगातार आयोग नोटिफिकेशन दे रहा है। तो जिला चंपावत में यानी जिलाधिकारी चंपावत में आपका कनिष्ठ सहायक के जो 6 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली थी आयोग ने, उन्हें घटाकर अब केवल 4 पद कर दिया गया है, ठीक है। लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चंपावत में जिलाधिकारी के जो आपके 6 पद थे उनमें कुछ चेंजेस आपके हुए हैं। तो वीडियो आपको अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।